Hello everybody, this is Tairmir from Turbo Craze YouTube channel. Today we are going to tell you about a very popular vehicle of Maruti Suzuki lineup, that is Alto 800. इसका जो कंपटीशन है वो रेनो की क्विड के साथ है और डैटसन के रेडिको के साथ है। रेनो की क्विड जो है उसका लुक जो है वो कंटेम्पररी है, मॉडर्न है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मगर जो मारुति सुजुकी का नेटवर्क है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फैला हुआ है, गांव-गांव शहर शहर फैला हुआ है। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की रिसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है, इनका जो आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहता है। मारुति सुजुकी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, यहाँ पर जो टॉप 10 व्हीकल होते हैं हर मंथ जो नंबर्स हमारे पास आते हैं, मारुति की लगभग 4-5 गाड़ियाँ तो उसमें होती ही होती हैं। किसी मंथ 4 गाड़ियाँ होती हैं, किसी मंथ 5 गाड़ियाँ होती हैं, तो किसी मंथ 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी होती हैं। जो अल्टो 800 है, अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, 800 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो 3 सिलेंडर इंजन है, जो करीबन 40 bhp की पावर और 60 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करके देता है। इसमें CNG वेरिएंट भी आता है, माइलेज काफ़ी अच्छी है इसमें। अगर हम ARAI फिगर्स की बात करते हैं तो 22.05 की माइलेज आपको निकाल के देगा, मगर रियल लाइफ कंडीशंस में इसका जो इंजन है वो आपको ARAI सर्टिफाइड जो माइलेज उससे भी ज़्यादा माइलेज निकाल के देगा। तो माइलेज की प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी महसूस नहीं होगी। अगर आप हिल्स पे भी चलाओगे, सिटी में भी चलाओगे या हाईवेज पे भी इसको लेके जाओगे, एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। NVH लेवल जो है वो भी कंट्रोल में है। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि इन 3 गाड़ियों में हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना जो हार्ड अर्नड मनी है वो आप इस गाड़ी पे लगा सकते हो। यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप 1-2 साल के बाद इस गाड़ी को बेचना भी चाहते हो, यू विल फाइंड ए कपल ऑफ कस्टमर्स और टेकर्स अराउंड यू विद इन नो टाइम। ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा USP है। इसके कलर्स की बात करते हैं तो कुछ कलर्स में बड़े जिपी आते हैं। इसमें हमें 6 कलर्स आते हैं, सिल्की सिल्वर, अपटाउन रेड, मुजीटो ग्रीन, क्रिलियन ब्लू, ग्रेनाइट ग्रे और सुपीरियर वाइट। अगर हम इसके मोटे मोटे फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आगे की 2 पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, उनके जो बटन हैं वो आपको, जो हैंड ब्रेक हैं उसके पास मिल जाएंगे, जो इसका VXI वेरिएंट है जिस वेरिएंट के बारे में आगे हम वॉक अराउंड दिखाएंगे आपको, तो उसमें 2 पावर विंडोज फ्रंट की, रियर की नहीं उसमें आती हैं। उसमें कोई स्टेयरिंग कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको उसमें आपको ऑडियो सिस्टम ज़रूर मिलेगा। उसमें आपको कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको उस सिटिक से ही करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, 2 एयरबैग, ABS, EBD और 2 पार्किंग सेंसर उसमें आपको मिल जाएंगे, और उसमें आपको मिल जाएगा सेंट्रल लॉकिंग। हेलो एवरीबॉडी, दिस तायरमीर अगेन फ्रॉम एसटी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आज रोड बांडीपोरा। आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है मारुति सुजुकी की नंबर 1 सेलिंग कार। बहुत सालों से इसने धूम मचा के रखी है बाजार में। ये एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है और इसका जो कंपटीशन है वो रेनो की क्विड है और डैटसन की रेडिको है।
तो आज हम बताने जा रहे हैं कि इसके फ्यूचर्स के बारे में, कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये जो वेरिएंट है ये VXI वेरिएंट है हमारे पास। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका जो इंटीरियर है ये ड्यूअल ट्यून इंटीरियर है। जो लेआउट है डैशबोर्ड का वो ठीक ठाक है इस सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक बजट कार है। जो ये VXI वेरिएंट है इसमें आपको यहाँ पे ऑडियो सिस्टम भी मिलेगा ब्लूटूथ, और यहाँ पे इसके एसी के वेंट्स हैं। इन पे कोई क्रोम वर्क नहीं किया गया है, लेकिन इस साइड का जो एसी का वेंट है इस पे क्रोम वर्क किया गया है। ये इसका एसी है मैनुअल। जो इसके स्विचेस हैं, जो क्वालिटी हैं वो ठीक हैं इस सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि बजट कार है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलती हैं चीज़ें रखने के लिए, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलती हैं कभी होल्ड्स रखने के लिए। ये इसके जो पावर बटन है फ्रंट सीट के वो यहाँ से आपको मिलेंगे। ये इसकी हैंड ब्रेक। जो ये गियर बॉक्स हैं ये मैनुअल ट्रांसमिशन है 5 स्पीड। जो गियर बॉक्स के थ्रूज हैं वो प्रिसाइज हैं, थोड़े लॉन्ग हैं, उतने शॉर्ट नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसका गियर बॉक्स है वो एक स्लीक यूनिट है। ये हमने डाला गाड़ी को रिवर्स गियर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको रिवर्स करते करते। जो इसकी सीट्स हैं ये भी ड्यूअल ट्यून हैं। अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करते हो तो तीन चीज़ें हम देखते हैं कि सीट्स की कुशनिंग कैसी हैं, और अंडर थाई सपोर्ट जो होता है वो कैसा है, और जो सीट का ये लोअर बैक सपोर्ट होता है वो कैसा होता है, और ये साइड बोस्टरिंग जो होती हैं वो कैसी हैं। ओवरऑल इसमें साइड बोस्टरिंग भी आपको ठीक मिलेगी, जो थाई सपोर्ट है वो भी ठीक ठाक मिलेगा, थोड़ा कम ही है बट इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। आप थोड़ा लो बैठते हो सीटिंग पे, ओवरऑल विजिबिलिटी अच्छी है। इसका ए पिलर उतना मोटा नहीं है, आपको कॉर्नर्स में जाते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, दोनों साइड कोई स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि वो उतना मॉडर्न नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मगर क्योंकि एक बजट कार है तो उस हिसाब से ठीक है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं कि इंजन का साउंड कैसा आता है, क्या इंजन का साउंड अंदर आता है नहीं आता है। हमने ये भी देखा है कि जो टाटा की गाड़ी आती है टियागो, जब उसका हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अजीब सी आवाज़ आती है, और वो आवाज़ टाटा टिगुआर में भी आती है, क्योंकि वही इंजन उसमें लगा है 1.2 रेवट्रॉन इंजन, और वही इंजन उन्होंने अल्ट्रॉस प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉस उसमें भी लगाया है। स्टार्टिंग में वो अजीब सी आवाज़ आती है, हम देखेंगे कि इस गाड़ी में वो आवाज़ आती है नहीं आती है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, लेकिन उतनी भी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि एक 3 सिलेंडर यूनिट है, 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत हार्शनेस आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत जो नॉइज़ है वो भी आपको मिलेगा जब इंजन आइडल पे होता है, बट इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इरीटेटिंग बिकॉज इज़ ए बजट कार। इसमें ये चीज़ तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कलर हैं ये ग्रे कलर हैं। अब जब जाते हैं इसकी बैक सीट पे वो देखते हैं बैक में इसमें कैसा स्पेस है। ओवरऑल बैक में भी ठीक ठाक स्पेस है, इसमें 4 लोग आराम से आ सकते हैं, और एक जो इसके बैक का लुक है वो अच्छा है इस सेगमेंट के हिसाब से। जो इसकी टेल लाइट्स आती हैं मॉडर्न है, सॉर्ट ऑफ स्विफ्ट बैक हैं यहाँ से।
और जो इसकी ये अल्टो, ये इनका लोगो काफ़ी पॉपुलर, जिसका बूट स्पेस है वो 177 है, बूट स्पेस इसका 177। इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक, ये आपको ऐसे ही मैन्युअली खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई अलग से बटन नहीं दिया गया। ये इसका बम्पर ड्यूअल ट्यून नहीं है, ये सिर्फ एक कलर में दिया गया है जो बॉडी कलर है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो रिवर्स सेंसर्स लगे हुए हैं, तो आपको पता ही है कि अब हर गाड़ी में दो एयरबैग ABS EBD और दो रिवर्स सेंसर्स आते हैं। ये इसके टायर हैं, कुछ 328.7 किलोमीटर्स। फ्यूल इंडिकेटर जो है वो एंड पे हैं, ख़त्म दिखा रहा है, और अगर हमने हैंड ब्रेक को जो एंगेज किया है तो यहाँ पे जो है ये मार्क आ रहा है। अगर हम हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करते हैं तो ये मार्क जो है ये यहाँ पे गायब हो जाता है। इसमें कोई यहाँ पे बटन नहीं है, जो रियर व्यू मिरर हैं वो आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये उसके लिए जो है बटन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं।